कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, भाई जिसको जो पसंद है वो ले। मैं आपका इस चैनल फिजिक्स वाला टीचर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना भाई, आपका टीचर अरुण शर्मा। नमस्कार बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपने किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, और इफ द क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस देन व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ अ वायर इज इंक्रीज बाय 50%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले इस क्वेश्चन की फिजिक्स क्या है। बोले बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग फटाफट नोट कर लेते हैं। आपके पास ये एक वायर, इसकी इनिशियल लेंथ L1, मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया और फाइनल वायर बच्चों ये हो गया, इसकी लेंथ L2। बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप A1 एज्यूम कर लो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप A2 एज्यूम कर लो, इस वायर का रेजिस्टेंस आप R1 एज्यूम कर लो, इस वायर का रेजिस्टेंस आप R2। ओके, अब आपसे कहता है द लेंथ इज इंक्रीज बाय, इसका क्या मतलब है, द फाइनल लेंथ L2 इज L1 प्लस 50% ऑफ L1। मतलब यार L1 तो होगा ही, आपने 50% और इंक्रीज कर दिया। बच्चों L2 जो कुछ हो L1 प्लस L1 बाय 2, नाउ दिस विल बी व्हाट, 3 L1 बाय 2। अब क्या करेंगे, आपको पता है द फॉर्मूला ऑफ रेशियस क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन 3, ये सब जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। और अगर आपने वायर को स्ट्रेच किया उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा तो क्या देखेंगे हम लोग, फाइनल वॉल्यूम A2 L2 भाई, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, इसका एरिया आपने L2 किया है, इसकी लेंथ कितनी L2, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा A2 L2। इनिशियल वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाएगा, A1 L1। यहां से ना देखिए, यहां से आपको क्या पता चलेगा, L2 by L1 इक्वल्स टू A1 upon A2। ठीक। अब बच्चों अगर मैं यहां पर दो रेशियस लिखता हूं, एक R1 एक R2, R2 इक्वल्स टू रो L2 upon A2, R1 इक्वल्स टू रो L1 upon A1। डिवाइड कर दो बच्चों, रो से रो कैंसिल, देन ही हो जाएगा R2 upon R1 L2 by L1 into A1 upon A2। ये बच्चों आपने इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस का रिलेशन निकाल दिया। अब आप यहां पे A1 upon A2 की वैल्यू रखिए, कितनी वैल्यू है A1 upon A2 की वैल्यू, L2 by L1।
देन आर टू अपॉन आर वन, ये हो जाएगा एल टू बाय एल वन का होल स्क्वायर। बच्चों एल टू बाय एल वन कितना है, यहां से देखिए, यहां से आपको एल टू बाय एल वन की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, थ्री बाय टू। आप ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट लाइन बच्चों यहां पे मैं लिख रहा हूं आर टू बाय आर वन इक्वल टू थ्री बाय टू स्क्वायर, दैट इज नाउ नाइन बाय फोर। तो आर टू इक्वल टू नाइन आर वन अपॉन फोर। अब आपको इसे परसेंटेज के फॉर्म में शो करना है कि आर टू आर वन से कितना, कितने परसेंट इंक्रीज हो गया। तो बच्चों इसको ऐसे बनाओ, आर टू यू बस्ट हो, इसको आप डिनोमिनेटर के टर्म्स में स्प्लिट करो, फोर प्लस फाइव अपॉन फोर आर वन, ये आर टू यू बस्ट हो फोर बाय फोर वन, वन प्लस फाइव बाय फोर आर वन, आर टू यू बस्ट हो आर वन प्लस फाइव बाय फोर आर वन, एंड दैट इज नाउ आर वन प्लस वन पॉइंट टू फाइव आर वन। देन बच्चों ये हो जाएगा आर वन प्लस हंड्रेड मल्टीप्लाई कर दो वन ट्वेंटी फाइव बाय हंड्रेड आर वन, एंड फाइनली आर टू इक्वल्स टू आर वन प्लस वन ट्वेंटी फाइव परसेंट आर वन। इट मीन्स द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 125%। बच्चों इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। ओके, वैसे मैं आपको इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था, आपको याद होगा मैंने बताया था आर टू बाय आर वन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। व्हाट इज एन, कि लेंथ कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई, वेयर एल टू इक्वल्स टू एन एन। आप बच्चों यहां से भी सवाल कर सकते हैं डायरेक्ट, बच्चों जल्दी नोट कर लो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सा सिंपल सा कंसेप्ट है, आप बस ये देख लो कि लेंथ कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई है, एंड जब भी कभी हम वायर को टच करते हैं उसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, और जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा तो उस केस में फाइनल और इनिशियल रेजिस्टेंस का रेशियो बच्चों एन स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज एन, एल टू इक्वल टू एन एल। ओके, आप यहां पे एन की वैल्यू रख दो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन की वैल्यू यहां पे थ्री बाय टू कर देता हूं, देखो ये नाइन बाय फोर हो जाएगा, तो यू एन एस आपका पहले ही आएगा। तो बच्चों ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, ये मैं आपको पूरा बेसिक्स एक्सप्लेन किया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाता है तो आप बच्चों ये पूरा बेसिक्स से रीड करेंगे। ओके, तो बच्चों चलो हम लोग चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों भी इसी कंसेप्ट में, इसी से मिलता जुलता है बच्चों, और आप ये वाला कंसेप्ट फॉर्मूला याद रखेंगे आप, कि आर टू अपॉन आर वन इक्वल टू एल टू स्क्वायर अपॉन एल वन स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, बच्चों क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज रिड्यूस बाय 2%, मतलब मैंने वायर की क्रॉस सेक्शन के रेडियस को 2% से डिक्रीज कर दिया, देन फाइंड
percentage change. Sorry, बच्चों. In its resistance. बच्चों यहां भी वायर को स्ट्रेच किया गया. रेडियस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज रिड्यूस बाय 2%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस. ओके, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, वायर इज स्ट्रेच्ड. बच्चों आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या लगेगा, R2 by R1, L2 by L1 का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू A1 by A2 का होल स्क्वायर. तो बच्चों ऐसा करते हैं, इफ द इनिशियल रेडियस इज R1 एंड फाइनल रेडियस इज R2, कुछ इस तरह का है. इनिशियल केस रेडियस R1, लेंथ R1. फाइनल केस रेडियस R2, लेंथ L2. देन दिस विल बी पाई आर स्क्वायर. A1 इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर एंड A2 इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर. ओके भाई, आपको रेडियस क्या बनाया, आपने इसका क्रॉस एरिया निकाल लिया, ये इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. बच्चों जैसे ही आप वो वैल्यू जान लेंगे, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यही हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर की पावर 2, दैट इज R1 अपॉन R2 की पावर 4. तो आपको कौन सा फॉर्मूला यहां पे लेना है, आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है, रेजिस्टेंस का रेडियस के साथ. तो चलो बच्चों ये तो हमें कंसेप्ट यूज कर रहा है. अब आते हैं अपने क्वेश्चन के डाटा पे, आपको क्या गिवन है, आपसे कहता है द रेडियस इज रिड्यूस बाय 2%. इट मींस फाइनल रेडियस R2 इक्वल टू R1 माइनस 2% ऑफ R1. R2 इक्वल टू R1 माइनस 2% ऑफ R1. दिस इज द फाइनल रेडियस. नेक्स्ट लाइन, दिस R2 इक्वल टू R1 कॉमन लिया आपने 1 माइनस 2 अपॉन 100. ये वैल्यूज आप यहां लिखो, R2 by R1, R1 अपॉन R2, दैट इज R1, 1 माइनस 2 अपॉन 100 टू द पावर 4. बच्चों ये कैंसिल. नाउ दिस विल बी 1 माइनस 2 बाय 100 टू द पावर माइनस 2. बच्चों यहां पर ट्रिक काम करेगा, अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो आपसे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, और जब ज्यादा कैलकुलेशन तो एरर के ज्यादा चांस. इसलिए काम करते हैं, यहां पे हम लोग मैथमेटिक्स का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, उसे बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी एग्जाम्स. बच्चों कंसेप्ट क्या होता है पहले समझ लो. इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन 1 प्लस एक्स की पावर एन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 प्लस एन. ओके, मीन्स अगर एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बहुत कम है तो बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है उसका फॉर्मूला होता है अप्रोक्सीमेट 1 प्लस एन. बच्चों यहां पे एक्स का काम कौन कर रहा है, 2 बाई 100. कंपेयर करो, 2 बाई 100 मीन्स 0.02. और बच्चों 0.02 की वैल्यू 1 के कंपेरिजन में बहुत कम है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू कितनी है -4. बच्चों एक्स कितना है -2 बाई 100. देन R2 इक्वल टू
R2 by R1 equals to 1 plus Nx. 1 plus 2 by 100 into 4. That will be 1 plus 8 by 100. Then R2 equals to R1 plus 8% by 8 by 100. Kya likh diya? 8%. R1. So the answer is 8%. It means the resistance of the wire is increased by 8%. अच्छा क्लियर हो गया सबको? इसे जल्दी नोट कर लो आप लोग फटाफट. बच्चों इस वैरायटी के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करते हैं. कभी आपको रेडियस इंट्रोड्यूस करा देगा, तो कभी लेंथ इंक्रीज करा देगा, या कभी आपसे एरिया के बारे में बोल देगा. बट ऐसे सारे क्वेश्चन कंसेप्ट देते हैं. बट ये चीज ध्यान देना कि अगर बच्चों ये पावर कुछ इस तरह का है कि ये वैल्यू 1 से बहुत कम है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. वो थ्योरम क्या है? इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और समझ में लिया होगा. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड है. ओके, तो उस क्वेश्चन में आपको एक कंडक्टिंग बॉडी गिवन है और इसकी जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो सेम नहीं. मीन्स यू कैन से कि देयर इज अ कॉनिकल फ्रस्टम. सिलेंडरल रॉड नहीं है, एक कॉनिकल फ्रस्टम है. आपको उसके दोनों एंड्स की रेडियस गिवन है, आपको उसकी लेंथ गिवन है, मेटेरियल की रेजिस्टिविटी रो गिवन है. क्वेश्चन है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल अक्रॉस द एंड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज कॉनिकल फ्रस्टम अ पार्ट ऑफ कोन. इस तरह का इसकी एक्सिस है. द लेंथ ऑफ मटेरियल इज एल. This radius is A and this radius is B. The resistivity of the material is rho. मतलब इसकी जो resistivity है, specific resistance, इसकी value rho. Rho is given, L is given, A is given, B is. Suppose this is and x and y. Question, find the resistance across x and y. आपको इसके across इसका resistance निकालना है. क्या करें भाई, क्या करना चाहिए? फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए. उसी से स्टार्ट करते हैं. देखो बच्चों ध्यान से, और बच्चों आप इसको पैरेलल नोट करते जाइए. R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, what is L? The length of conductor which is along the current. What is A? The area of cross section. लेकिन बच्चों
मैं इस फॉर्मूले को यहां पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता। आपको लेंथ दिख रही है बट आप एरिया क्रॉस क्या लोगे भाई, घर वाला लोगे कि ये घर वाला लोगे, वो तो नहीं है, डिफरेंट है। और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट बढ़ते आ रहे हैं आप देख रहे हैं कि का जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों को चेंज होता जा रहा है ना। तो क्या लिया जाए भाई, ऐसे में क्या करें बच्चों, जब इस तरह का कोई केस आता है जहां पे कोई क्वांटिटी कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही होती है तो फिर हम लोग वहां पर इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को यूज करते हैं। वो कैसे, वी टेक ए स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, सबसे पहले उस एलिमेंट के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको विद इन प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेट करते सॉल्व कर देंगे। आ जाए चलिए स्टार्ट करते, यहां से हम लोग इस एंड से एक्स डिस्टेंस एक स्मॉल एलिमेंट बच्चों, ये रहा एलिमेंट, मतलब अगर आपने इस कोण को ऐसे काट दिया तो आपको डिस्क मिलेगा, अगर आपने यहां पे कट किया तो सबसे छोटा डिस्क, थोड़ा और आगे कट किया तो थोड़ा बड़ा डिस्क, और आगे कट किया तो थोड़ा और बड़ा डिस्क, ऐसे ऐसे आपको डिस्क मिलेगा। तो हमने इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लिया, उस स्मॉल एलिमेंट की विड्थ बच्चों ये जो देख रहा आप, ये जो गैप है दिस इज डीएक्स, और डिफरेंशियल एलिमेंट डीएक्स, और इस एलिमेंट की यहां से डिस्टेंस कितनी है एक्स बच्चों, इस एलिमेंट की कुछ रेडियस भी होगी, सपोज की वो आर है। अब क्या करें, ये स्मॉल एलिमेंट जो कि इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, तो पहले हम लोग इस स्मॉल एलिमेंट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ऑफ स्मॉल एलिमेंट बच्चों, सपोज कि इस एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है दैट इज डी आर, सो डी आर इक्वल टू करेगा कंसेप्ट रो बच्चों, लेंथ का काम कौन करेगा, एल नहीं, आपके लेंथ का काम ये करेगा ना स्मॉल लेंथ डी एक्स अपॉन एरिया बाय आर स्क्वायर, व्हाट इज आर दिस रेडियस। अब प्रॉब्लम है कि हाउ टू फाइंड द रेडियस आर, जरा ध्यान से दिखेगा, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं तो रेडियस कैसे निकालेंगे, दिस गैप प्लस दिस गैप, छोटा वाला गैप और ये गैप, आप देख रहे हैं छोटा वाला गैप, ये वाला और ये किसके इक्वल है, ये एक इक्वल है, तो अगर मैं ए में ये छोटा सा गैप ऐड कर देता हूं तो रेडियस आर आ जाएगा। क्या करूं, सपोज दिस एंगल इज थीटा, अब बच्चों अगर ये थीटा है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, मैं इसके लिए पहले से डायग्राम बनाता हूं, आप ऐसे देखो यहां पर दिस कंप्लीट इज आर, दिस डिस्टेंस इज एक्स, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल बी एक्स टेन थीटा बच्चे, यहां से लेके यहां तक एक्स्ट्रा लेंथ देंगे ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा, तो आर की वैल्यू कितनी हुई, आर इक्वल टू ए प्लस
एक्स टेन थीटा, ये कहां है, ये गया भाई, यहां तक समझ आया? फिर से देख लो, आपके सामने दिख रहा है कि क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते। तो आपने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे गया एक स्मॉल एलिमेंट है, उसकी विड्थ कितनी है बच्चों, डीएक्स। तो मैं पहले फॉर्मूला यहां अप्लाई करूंगा, अब लेंथ का काम डीएक्स कर रहा है और इसका स्मॉल रेशियो मैंने डीआर इक्वल कर लिया, देन डीआर इक्वल टू रो इंटू डीएक्स अपॉन एरिया, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर। आज की वाली बच्चों को मैंने यहां निकाल दिया, अरे टेंथ का किसके इक्वल होगा आपको पता है ना, ये वाली जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए, देन टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बच्चों बेस कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, दिस इज द परपेंडिकुलर बी माइनस ए, बेस इज वॉट एल, टेन थीटा इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल, बी आर इक्वल टू रो अपॉन पाई बी एक्स अपॉन आर स्क्वायर मीन्स एक्स टेन थीटा प्लस ए का होल। नेक्स्ट लाइन से रो अपॉन पाई एक्स टेन थीटा प्लस ए पावर माइनस टू डी एक्स। नेक्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट विद इन द प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेशन डी आर, आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी आर, बच्चों रो और पाई कॉन्स्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। नाउ दिस विल बी एक्स टेन थीटा ए टू द पावर माइनस टू डी एक्स और इसकी लिमिट देखो, ये एक्स यहां से शुरू हो रहा है यहां पे जा रहा है, मतलब जीरो टू एल। अब क्या करें बच्चों, से एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं आपको जो फॉर्मूला बता देता हूं, इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस क्यू पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू टी एक्स प्लस क्यू की पावर एन प्लस वन अपॉन टी टाइम्स एन प्लस वन। देखिए पी का काम कौन कर रहा है, टेन थीटा, क्यू का काम कौन कर रहा है, ए, एन का काम कौन कर रहा है, माइनस। तो अगर इसका फॉर्मूला ये है उसका आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन से हम लोग यहां लिख रहे हैं आर इक्वल टू रो बाई पाई, आर इक्वल टू रो अपॉन पाई, ये हो जाएगा बच्चों बी एक्स प्लस क्यू की पावर एन प्लस वन एक्स टेन थीटा प्लस ए टू पावर एन प्लस वन माइनस टू प्लस वन कितना हुआ, माइनस वन अपॉन पी टाइम्स एन प्लस वन, पी कितना है बच्चों, टेन थीटा, टेन थीटा एन प्लस वन कितना हुआ, माइनस टू प्लस वन माइनस वन। ओके अब तो ये पावर माइनस वन है, तो पावर माइनस वन है और इसके बाद बच्चों एक लिमिट लगी हुई है जीरो टू एन। इसे सॉल्व करते हैं, आर इक्वल टू रो अपॉन पाई जो हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, बी माइनस ए अपॉन एल अपॉन एल, एल कहां जाएगा ऊपर,
साथ में माइनस दिए, आपने माइनस यहां लगा दिया, अंदर क्या बचेगा a प्लस एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा कितना है b माइनस a अपॉन l, लिमिट बच्चों जीरो टू l है। बस एक चीज ध्यान देना कि पावर माइनस वन है, जब पावर माइनस वन है तो आपको नीचे लाओगे और बाद में लगाएंगे लिमिट जीरो टू l। नाउ रो इनटू l अपॉन पाई b माइनस a, जैसा आपसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो जब आप यहां ऐसे लेंगे तो ऐसे लेंगे तो ये हो जाएगा कितना a इंटू एल प्लस एक्स इंटू बी माइनस ए, ओके पावर माइनस वन अपॉन l, लिमिट कितनी बच्चों जीरो टू l, ठीक है। तो जब आप इसे पूरा फाइनल सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा यहां पर, जब आप लिमिट लगा देंगे r इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन फाइव ए बी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर द रेजिस्टेंस ऑफ द पॉजिटिव। ओके बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बाकी अगर आपने सही कंसेप्ट लगाया है राइट डायरेक्शन में आप आगे बढ़िए आपका पूरा आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल का नहीं है, ये क्वेश्चन आपके आईटीजे एडवांस लेवल का है, तो जो बच्चे कॉम्पिटिशन के प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही एप्लीकेशन है, चलिए बच्चों मैं इसमें डाल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक स्पेकल शेल की बात, स्पेकल शेल इनर एरियस आउटर एरियस, द क्वेश्चन इज स्पेकल शेल इनर एरियस ए है, आउटर एरियस बच्चों बी है, और इसके मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। फिर सुनो आपको कोई सर्कल नहीं गेवन है, आपको सर्कल शेल गेवन है, उसकी इनर एरियस ए आउटर एरियस बी और मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है बच्चों वो रो है। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द शेल बिटवीन इनर एंड आउटर सर्फेस, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल शेल अक्रॉस इनर एंड आउटर सरफेस। इसका मतलब करंट का फ्लो रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है, करंट का फ्लो इनर से आउटर हो रहा है या आउटर से इनर हो रहा है, बट जो भी हो द फ्लो इज रेडियल, मतलब करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इसको इनर से आउटर ले लेता हूं तो फ्लो इस डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों, ऐसे। अगेन द सेम मामला आर इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए। अब बच्चों यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया फिर वेरी कर रही है, आप देखो एयर का सरफेस एरिया कितना है भाई, स्फीयर है रेडियस ए है तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा फोर पाई ए स्क्वायर, आउटर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा फोर पाई बी स्क्वायर,
तो बच्चों इनर और आउटर बीच में ऐसे बहुत से लेयर हैं और हर लेयर का सरफेस एरिया डिफरेंट 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 है। तो आप यहां पे एरिया की कोई एक सिंगल वैल्यू तो रख ही नहीं सकते हो। एक बार फिर से हमको एलिमेंट लेना हो, हम लोग यहां पर एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करते हैं, ऐसे ये डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल शेल कंसीडर किया, ओके। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे और स्फेरिकल शेल इज कंसीडर एंड द थिकनेस ऑफ दैट शेल, द थिकनेस ऑफ दैट शेल इज dx। बच्चों की थिकनेस dx है। अच्छा आपको पता है कि जो करंट का फ्लो कैसा है, रेडियल करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बच्चों। अब आप याद करो इस फॉर्मूले में जो एल लेते हैं, लेंथ लेते हैं, वो लेंथ कौन सी डायमेंशन होती है जो करंट के अलाउंग होती है। तो जब करंट के अलाउंग हम चलते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, लेंथ क्या मिल रहा है बच्चों, ये मिल रहा है। हम लोग पहले इस छोटे से स्फेरिकल एलिमेंट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, पूरे का डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। हम लोग पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट्रिक शेल लेंगे, सर्कल शेल, उसका रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों अगर इसका रेजिस्टेंस सपोज डी आर है, देन डी आर इक्वल टू रो इंटू एल की जगह हो जाएगा डी एक्स अपॉन एरिया हो जाएगा बच्चों 4 pi एक्स स्क्वायर। इस शेल का जो सरफेस एरिया है वो 4 pi एक्स स्क्वायर। और बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर रेडियस तो अंदर वाली एक्स है, बाहर की रेडियस तो कुछ और है, इसकी जो विड्थ है बच्चों, ये जो विड्थ है वो मैंने डी एक्स अज्यूम कर लिया है। लेकिन ध्यान देना ये जो डी एक्स है ना वेरी वेरी लेस देन एक्स, तो एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। अंदर एरिया 4 pi एक्स स्क्वायर, बाहर एरिया 4 pi एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर, 4 pi एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों डी एक्स बहुत छोटा है तो ये ऑलमोस्ट 4 pi एक्स स्क्वायर के इक्वल हो। तो हमने वही वाला एरिया बच्चों ने याद लिया। अच्छा नेक्स्ट लाइन से डी आर इक्वल टू रो अपॉन 4 pi एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। बच्चों लिमिट क्या हो जाएगी, देखो इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, एक्स वही कर रहा है ए टू बी, ए टू बी। चलिए सॉल्व करते हैं। आर इक्वल टू मैंने बच्चों क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देन आर इक्वल टू रो अपॉन 4 pi हो जाएगा एक्स की पावर -1/-1 लिमिट ए टू बी। सॉल्व किया आंसर आ गया आर इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा रो अपॉन 4 pi -1/x ए टू बी। नाउ द फाइनल आंसर इज आर इक्वल टू एलिमेंट लगाएंगे 1/b - 1/a रो इंटू बी माइनस ए अपॉन 4 pi ए बी। दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द स्फेरिकल शेल बिटवीन इनर एंड आउटर शेल। समझ में आया, नहीं आया तो आप दोबारा फिर पूछ लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके फिर चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो आपके बोर्ड आईटीजी मेंस एडवांस और नीट के लिए, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज
वेरिएशन कैसे होगी, ओके। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ आगे की थ्योरीज स्टडी करेंगे। तो बच्चों आप रिवाइज करना मत बोलना, देखो मैं बार बार कहता हूं आपको मेहनत करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है, ठीक। आपको आगे बढ़ना है ना, इसलिए मेहनत करें, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर बच्चों।